हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मीनू योर हिंदी टीचर। आज हम करेंगे वचन। अब वचन होता क्या है? वचन, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर। देखिए, फॉर एग्जांपल, कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ आपको कितने कुत्ते दिख रहे हैं? यहाँ पर एक ही दिख रहा है ना, तो इसलिए हमने बोला कुत्ता भौंक रहा है। नेक्स्ट में देखिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इसमें कितने कुत्ते दिखाई दे रहे हैं हमें? टू। तो दो कुत्ते हो गए, तो उसको हम कुत्ता नहीं बोलेंगे, कुत्ते बोलेंगे। इसी तरह से देखिए, शिल्पा ने खिलौना खरीदा। शिल्पा क्या लेके आई? एक खिलौना। ठीक है, शिल्पा ने खिलौने खरीदे। अब शिल्पा के आगे देखो कितने सारे खिलौने पड़े हैं, तो क्या हो गया? उसने बहुत सारे खिलौने खरीदे, इसलिए वो खिलौना की जगह पर हो गया खिलौने। तो देखिए, इसमें कुत्ता और खिलौना वस्तुओं के नाम है, और कुत्ता और खिलौना एक वस्तु को दर्शाता है, एक कोई एक चीज को दर्शा रहा है। और उसी तरह से कुत्ते और खिलौने, इसमें एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, पता चल रहा है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? वचन कहते किसे हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद कितने हैं? हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक वचन जो है किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम के साथ लगाया जाता है, जैसे बैल हो गया, बच्चा हो गया, उसे हम कहते हैं एक वचन, वो एक वचन कहलाता है। ठीक है, एक बैल है, खिलौना है, वस्तु है, कोई भी एक वस्तु, एक चीज, एक व्यक्ति, तो वो एक वचन होगा। चूहा है, टेबल है, चेयर है, आप कह सकते हो उसमें बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बैलों, बच्चे, चूहे, खिलौने, कुर्सियां, मेजें। ठीक है, तो यानी एक से ज्यादा है उसमें, तो उसे हम कहेंगे बहुवचन। बहु से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, बहु यानी बहुत सारे। ठीक है, एक से ज्यादा जितने भी होंगे वो बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, जैसे अगर वचन संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से की जा सकती है। मतलब उस वचन हम क्रिया या सर्वनाम के रूप में को ही बदल कर करते हैं। तो जैसे घोड़ा है, घोड़ा एक संज्ञा है। अगर घोड़ा एक है तो हमने घोड़ा लिखा, घोड़े ज़्यादा हैं तो हमने उसमें लिखा घोड़े, तो ये बहुवचन हो गया, ये संज्ञा हो गया। अब देखो, जैसे हम अगर कोई एक व्यक्ति है तो हम कहेंगे वह बाजार जा रहा है। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम बोलेंगे वे बाजार जा रहे हैं। हम उसमें, तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि वह जो है एकवचन के लिए यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, और वे जो है बहुवचन के लिए यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए, क्रिया, आदमी काम कर रहा है, तो एक आदमी है, इससे पता ही चल रहा है आपको क्रिया से, कर रहा है, कर रहा है यानी एक आदमी है, और आदमी काम कर रहे हैं, दोनों में लिखा आदमी ही है, मगर इसकी क्रिया से हमें ज्ञान हो रहा है कि वो बहुवचन है। कैसे? इसमें लिखा है कर रहा है और दूसरे वाक्य में लिखा है कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें आदमी बहुत सारे हैं। वहां एक पेड़ है, तो पेड़ एक ही है, और देखिए पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, तो पक्षी बहुत सारे पेड़ों पर ही बैठे होंगे ना, अलग बहुत सारे पक्षी बहुत सारे पेड़ों पर बैठे होंगे। अब देखिए, इसी तरह से बहुत सारे जो वचन होते हैं उनको हम कुछ शब्द संज्ञा, कुछ संज्ञा शब्द, एक वचन, बहुवचन, दोनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे पशु, मतलब एक वचन भी अगर हमें लिखना है तो वही रहेगा, और बहुवचन भी वही का वही रहेगा। ठीक है, जैसे पशु है, मकान है, ऋषि, साधु, हाथी।
और आदर सम्मान प्रकट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, चाहे वो व्यक्ति एक है मगर हम उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कैसे, अब पिताजी घूमने गए हैं। अब पिताजी तो एक है, आप कहोगे कि उसके साथ उनके साथ गए हैं क्यों लगाया, हम ऐसा तो नहीं कहते कि पिताजी घूमने गया है, क्योंकि उनको आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम ऐसा बोलते हैं। गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी तो एक है ना, तो गुरुजी आया है ऐसा तो नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है, तो गुरुजी आए हैं, ये आदर प्रकट करने के लिए। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दही है, पृथ्वी है, तेल है, घी, वर्षा, दूध, ठीक है। कुछ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार, प्राण, लोग, दर्शक, आंसू आदि, तो ये बहुवचन में ही आते हैं। अब देखिए किस तरह से हम एक वचन को बहुवचन पर में बदलते हैं, उनका परिवर्तन कैसे किया जाता है। आ के स्थान पर हम ए लगाते हैं, आ का ए हो जाता है, जैसे लड़का, पीछे आ की आवाज आ रही ना, आ की मात्रा है, तो इसका हो जाएगा लड़के, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे, इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आ हो तो उसके साथ हम ए भी जोड़ते हैं कई जगह पर, ए, कन्या कन्याएं, सेना सेनाएं, माता माताएं, कथा कथाएं इत्यादि। आगे देखिए, अ के स्थान पर ए भी लगता है, जैसे आंख आंखें, एक ए की मात्रा बन गई और बिंदी भी आई है उसके साथ, अनुस्वार, बात बातें, भैंस भैंसे, बहन बहने, ठीक है। ई के स्थान पर इया लग जाता है, जैसे कठिनाई अगर लिखा है तो हो जाएगा कठिनाइयां, साड़ी साड़ियां, तो इसकी जो आपकी बड़ी की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी, गाड़ी गाड़ियां, कहानी कहानियां, ताली तालियां इत्यादि। तो ये था आपका वचन परिवर्तन, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इस अध्याय की जो भी एक्सरसाइज है, जो भी बुक वर्क है, वो आपको बुक में करना है। थैंक यू।